नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और अब वक्त है कुछ मुख्य समाचारों का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना कर्नाटक, ऐसी जानकारी वहां के मुख्यमंत्री ने दी। मुंबई में 128 नमूनों में डेल्टा स्वरूप की पुष्टि, महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 27 नए मामले। एयर इंडिया 1 सितंबर को साप्ताहिक इंदौर दुबई उड़ान का संचालन करेगी, ऐसी जानकारी सिंधिया ने दी। चीन ने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने का दिया संकेत। अमेरिका 16 से अधिक उम्र वालों को लगा सकेगा फाइजर का कोविड टीका, एफडीए ने दी मंजूरी। अफगान संकट समेत अन्य मुद्दों पर पीएम मोदी ने की जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से बातचीत। फिलहाल अफगानिस्तान से लोगों को निकालने पर फोकस कर रहा अमेरिका। सेना का बड़ा फैसला, 5 महिला अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया कर्नल रैंक। आगरा में बर्थडे पार्टी के दौरान गिरी मकान की छत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 घायल। सिद्धू के सलाहकारों पर गाज, बोले हरीश रावत, जांच के बाद कार्रवाई। गुपकार गठबंधन की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक। कुर्सी की टेंशन, ममता बोली कंट्रोल में है कोरोना, उपचुनाव कराए आयोग। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह सड़क बंद नहीं की जा सकती, सरकारें निकाले हल। तालिबान की धमकी पर फ्रांस का जवाब, रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चन डाले तो ठीक नहीं होगा। पंचतत्व में विलीन हुए राम के कल्याण, बेटे राजवीर ने दी मुखाग्नि, आखिरी विदाई के लिए उमड़ा जनसैलाब। अफगानिस्तान मामले पर पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए दिया आदेश, गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे बैठक। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत रचेगा इतिहास, 9 खेलों में 54 खिलाड़ी देश को मेडल दिलाने के लिए उतरेंगे। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड अगले टेस्ट में प्लेइंग 11 से कटेगा चेतेश्वर पुजारा का पत्ता, उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने दिए ये संकेत। ये थे इस वक्त की कुछ मुख्य अपडेट्स, अधिक खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।